वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 66 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइटिंग ऑपरेशन इन बाइनरी टेक्स्ट फाइल, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रीडिंग ऑपरेशन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यानी कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आपको राइटिंग ऑपरेशन नहीं आता, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है रीडिंग ऑपरेशन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, रीडिंग सिंपली डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यानी कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को हम रीड कैसे करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो देखिए, सिंपल सा है। जैसे हमने देखा कि जब हम डेटा को लिखने वाले हैं, यानी कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो वहाँ पे दो हमको फंक्शंस मिलते हैं, राइट एंड राइट लाइंस। और राइट फंक्शन से हम पूरा जो डेटा है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में या प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में फाइल में स्टोर करते हैं, और आपका जो राइट लाइंस फंक्शन है उसकी मदद से हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की मदद से डेटा को स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको डेटा को रीड करना हो, तो रीड करने के लिए हमारे पास तीन यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें पहला फंक्शन है रीड फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमारा है रीड लाइन फंक्शन, और तीसरा फंक्शन हमारे पास है रीड लाइंस फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन। तो देखिए, डेटा को अगर हमने रीड करना है, तो इसके लिए पहले से हमारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फाइल होनी चाहिए जिसमें कुछ डेटा हमारा हो, तभी हम इसको यहाँ पे रीड कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप फाइल को सिंपली ओपन करते हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको यहाँ पे फाइल नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलता है, यानी कि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप डेटा कहाँ से रीड करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा है। मान लेते हैं हमारे पास एक फाइल है, तो एक सैम्पल फाइल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, सैम्पल फाइल। आप चाहें तो इस फाइल के अंदर डेटा को जो है वो आप राइट फंक्शन की मदद से पहले लिख भी सकते हैं, देन उस फाइल को क्लोज करेंगे, एंड देन जो प्रोग्राम में यहां पे मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो डायरेक्टली आप इसको रीड कर पाएंगे। तो sample.txt मैं एक फाइल यहां पे ले लेता हूं, और इसमें मान लेते हैं हमारे पास कुछ डेटा है। फॉर एग्जांपल, इसमें पहली लाइन है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमने यहां पे लिखा पहली लाइन में। दूसरी लाइन में लिख देता हूं दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, तो ये डेटा हमारे पास है। और थर्ड लाइन में यहां पे लिख देता हूं वी आर लर्निंग फाइल्स, तो हम फाइल्स को रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये तीन लाइन मान लीजिए मैंने टेक्स्ट sample.txt के अंदर यहाँ पे है। अब इस डेटा को रीड करने के कौन कौन से तरीके हैं, हर एक फंक्शन का हम यूज़ कब करेंगे, क्योंकि तीन अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रीड फंक्शन को। तो देखिए, सबसे पहले फाइल में वर्क करने के लिए हमको फाइल को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए हम ले लेते हैं कोई भी फाइल पॉइंटर, फॉर एग्जाम्पल पी, आप किसी भी नाम से फाइल पॉइंटर ले सकते हैं। देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ओपन फंक्शन को, एंड ओपन फंक्शन के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटिव एड्रेस यानी कि नेम एंड एक्सटेंशन देंगे। आप चाहें तो एब्सोल्यूट एड्रेस यानी कि कंप्लीट एड्रेस भी दे सकते हैं। तो फाइल का नाम हमारा है sample.txt, जिससे हमको रीड करना है। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मोड नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपकी जो फाइल है वो रीड मोड में ही ओपन होती है। तो फिलहाल हम मोड भी यहाँ पर दे देते हैं। तो फाइल हमारी ओपन हो गई रीड मोड में, यानी कि इससे हम डेटा को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीड फंक्शन से डेटा को रीड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया t=p.read, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हम रीड कर पाएंगे। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखते हैं और आप इसको अगर प्रिंट करते हैं, यानी कि प्रिंट टी, तो इससे आपका पूरा डेटा जो है वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो रीड फंक्शन से केवल इतना ही हम करते हैं, पूरा डेटा एज इट इज़ एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर आपने रीड करना हो, तो डायरेक्टली आप रीड करेंगे। अब देखिए, रीड जो फंक्शन है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल रीड के बाद सिंपली 10, तो अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से के जो 10 करेक्टर हैं केवल उनको रीड करेगा, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि L तक जो हमारा डेटा है केवल इतने ही डेटा को रीड करेगा। और जब ये डेटा हमारा यहाँ पे प्रिंट भी होगा, जब आप यहाँ पे नंबर डालते हैं, अगर कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं देते, तो ये पूरा डेटा रीड करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, तो केवल उतना ही डेटा हमारा रीड होगा। और जैसे ये डेटा रीड होगा, तो बैकएंड में अगर आप इसको समझें, तो यहाँ पे आपका कर्सर है वो यहां पे है, यानी कि अब कर्सर यहां पे है। इसके बाद अगेन अगर मैं यहां पे करता हूं t=p.read, और यहां पे अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो इसके बाद का जो पूरा डेटा है अगेन वो आपका t में आएगा। एंड अगेन अगर आप इसमें कोई नंबर देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 यहां पे लिखते हैं, तो इसके बाद के जो 5 करेक्टर है या 5 यहां पे डेटा पॉइंट है, केवल वो ही आपको मिलेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट भी सपोर्ट करता है, आपको जितने करेक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया, आपको एक फाइल दे दी,
और बोला गया फ्रॉम दिस फाइल रीड द स्टार्टिंग 5 करेक्टर या 10 करेक्टर या 5 बाइट का डेटा रीड कीजिए, तो यहाँ पे आप उतना ही नंबर लिखेंगे और केवल उतना ही डेटा आपका रीड होगा। तो आई होप आपको रीड फंक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद फाइनली चलिए इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट हमने कर दिया टी को एंड देन फाइनली आप फाइल को क्लोज कर देंगे। तो सिंपल सा है रीड फंक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, केवल इतना ही यहाँ पे है। अब देखिए पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। हो सकता है आपको बुक्स में इस तरीके से मिले, यानी कि आपने फाइल को ओपन किया एंड देन हमने यहाँ पे लिखा सैम्पल डॉट txt एंड इसको हमने ओपन किया फॉर एग्जांपल आर मोड में एंड देन मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके डायरेक्टली अगर मैं रीड करता हूँ तो पूरा डेटा हमारा रीड हो जाएगा। यानी कि सिंगल लाइन में भी आप पूरा डेटा एक टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। एंड देन आपका डेटा आ गया पी में एंड देन आप इसको सिंपली पी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो इन दो लाइन से भी पूरा डेटा हमारा यहाँ पे रीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कई बार आप यहाँ पे गलतियाँ करेंगे। एक गलती इसमें यह होती है कि जैसे हमने क्योंकि एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इस तरीके से आप डेटा को रीड तो कर पाएंगे, लेकिन जब आप इसको क्लोज करेंगे यानी कि पी डॉट क्लोज, तो ये सिंपली आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब पी जो है आपने इसको किया देन डेटा को रीड किया, तो पी के अंदर एक नॉर्मल अब यहाँ पे डेटा है यानी कि एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये बिहेव करेगा, तो अब ये फाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं रहा। तो फाइल ऑब्जेक्ट नहीं है तो अगर आप पी डॉट क्लोज करेंगे तो सिंपली ये वाली लाइन आपको यहाँ पे एरर देती है। तो अगर आपने डेटा रीड करना है केवल उसको आपने यूज़ करना है तो सिंपल आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, वरना इस मेथड का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आई होप आपको रीड फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीड लाइन फंक्शन को। अब इसका नाम ही बता रहा है कि ये एक लाइन को रीड करेगा। तो सिंपल सा है, अगर हम फाइल को ओपन करें पी इक्वल्स टू ओपन और फाइल का नाम हमने दिया है sample.txt, तो इसी के आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि रीड फंक्शन से हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ वर्ड हो या बाइट्स को कैलकुलेट करना हो या टोटल कुछ और वहाँ पे वेरिएबल सॉरी आपके वॉवल्स को रीड करना हो, तो ये सभी हम क्वेश्चंस भी आगे बनाने वाले हैं। अभी तो हम इन जनरल सभी फंक्शंस को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो sample.txt ओपन करना है रीड मोड में, नहीं भी देते तो बाई डिफॉल्ट रीड मोड में ही ओपन होगा। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ t=p.readline, तो ये क्या करेगा, ये केवल एक लाइन रीड करेगा या इन शॉर्ट आपका स्लैश एन या आपका एक एंटर की का जो इफेक्ट होता है वहाँ तक ही डेटा को रीड करेगा। यानी कि पी डॉट रीड लाइन किया तो एक लाइन को ये रीड करेगा और हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इस पी डॉट रीड लाइन किया देन मैंने सिंपली प्रिंट किया टी को, तो हमारा डेटा यहाँ पे पहली लाइन प्रिंट होगी। देन अगेन अगर आप पी डॉट रीड लाइन करते हैं या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन करते हैं, अगेन इसको प्रिंट करते हैं, तो सिंपली हमारी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट होगी। देन पी डॉट क्लोज, तो देखिए पहली बार में क्या आएगा, फर्स्ट लाइन हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क देन दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा जो रीड फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, कोई भी अगर आप नंबर डालते हैं तो उतने ही करेक्टर या उतने ही बाइट का डेटा आपको मिलेगा, वैसा आपका यहाँ पे नहीं होता। यानी कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप रीड लाइन में आप यहाँ पे इसके अंदर 5 डाल दें तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे 5 लाइन रीड हो जाएंगी। इससे क्या होगा, इस लाइन के यानी कि ये एक लाइन को रीड करने वाला है फर्स्ट लाइन को, तो इसके 5 करेक्टर ही केवल रीड होंगे। यानी कि इस लाइन का जो हेलो है वो आपको मिलेगा, इससे 5 लाइन रीड नहीं होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो दूसरा फंक्शन हमने देखा रीड लाइन एंड थर्ड फंक्शन हमारा है रीड लाइंस फंक्शन, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। रीड लाइंस भी आपका सिंपल है, फाइल को हम ओपन करेंगे और रीड लाइन की जगह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली रीड लाइंस, तो क्या होगा, पूरा डेटा हमारा रीड होगा और ये होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में और वो सभी स्ट्रिंग्स आपकी इंक्लोज होंगी लिस्ट के अंदर। यानी कि रीड लाइंस फंक्शन हमारा डेटा रीड करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। जैसे हम राइट करते हैं राइट लाइंस की मदद से, तो राइट लाइंस मल्टीपल लाइंस को स्टोर करने में हेल्प करता है, वैसे ही रीड लाइंस के अंदर आपका डेटा जो है वो लाइंस के फॉर्म में आएगा। यानी कि कंप्लीट यहाँ पे जितनी भी लाइन है वो एज अ स्ट्रिंग आपको मिलेंगी और सभी इंक्लूड होंगी एक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप रीड लाइंस करें देन आप इसको अगर प्रिंट करते हैं तो डेटा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। पहली लाइन लिस्ट के अंदर हमको मिलेगी हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन का सिंबल भी हमने दिया है कॉमा। देन सेकेंड लाइन दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे मिलेगा दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, तो इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। एंड थर्ड हमको डेटा मिलेगा यहाँ पे वी आर लर्निंग फाइल्स, वी आर लर्निंग
फाइल्स, तो ये आपको मिलेगा, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको मिलेगी रीड लाइन्स से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंप्लीट डेटा रीड करने को बोला गया तो आपके पास दो मेथड हैं या दो फंक्शन हैं, रीड लाइन्स और रीड। रीड लाइन से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा, एंड रीड से कंप्लीट डेटा एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। और आपको वन एट अ टाइम लाइन यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए सिंपली आप रीड लाइन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको दोनों ही ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, आपका राइटिंग ऑपरेशन भी, रीडिंग ऑपरेशन भी टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 66। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 67।